वो अभी आपको दिखाते हैं कितन मस्ती प्रॉपर्टी डिमांड में रहते हैं तो भैया भैया से डिटेल लेते हैं तो इसकी डिटेल बताइए भैया। ये 10 मंथ ओल्ड फीमेल, 10 मंथ्स ओल्ड फीमेल, कौन सा कलर होता है भैया? ये ब्राउन और ब्लैक, ब्राउन और ब्लैक, ब्राउन और ये इंपोर्ट लाइन है भैया? नहीं इंडियन लाइन, इंडियन लाइन। और पप्पीज का प्राइस रेंज क्या होगा भैया? 75,000 प्लस प्लस 1 लाख अराउंड 50,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। 50,000 बाकी अपना बजट होता है जिसमें जैसा पप्पी लेना हो उसको अवेलेबल होता है। और कलर कौन कौन से होते हैं? कलर क्रीम होता है वो लास्ट कलर है, ये रेड कलर है, रेड कलर जी, डार्क टैन और ब्लैक ये वो मेल है लास्ट वाला मेल है। और ये भी है? ये फीमेल, ये दोनों 10 मंथ, दोनों 10 मंथ ओल्ड है। ये एक ही लीटर के बच्चे हैं? नहीं अलग अलग है, अलग 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 लीटर के बच्चे हैं। तो अलग अलग लीटर के बच्चे, तो आपको कोई कैनल है? हाँ जी कुंडाला कैनल है जी, लोहार का रोड। मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9815220008। तो सिर्फ टीएम में डील करते हुए? बीगल भी है, बीगल में भी। गाइस भैया बीगल और टीएम दोनों में डील करते हैं। तो अभी पप्पीज अवेलेबल होंगे भैया? जी अवेलेबल है। किस किस कलर में होंगे? ब्लैक है, ब्राउन भी अवेलेबल है, मिक्स कलर, मिक्स कलर में भी। तो भैया बीगल और टीएम साथ में रह लेते हैं? नहीं रह लेते हैं, पर थोड़ा सेपरेट रखना चाहिए। फ्रेंड्स भी है, ये देखो फ्रेंडली है, कुछ नहीं कह रहे। गाइस फ्रेंडली है। ये गार्ड डॉग्स होते हैं भैया? जी गार्ड डॉग, गाइस गार्ड डॉग होते हैं ये, मतलब पहले डॉग्स में लेके जाते हैं उनको? जी जी। तो गाइस ये पहले भी डॉग शो में जा चुके हैं? हर डॉग शो में जाते हैं, हर डॉग शो में जाते हैं। पहले इसका फादर जाता था, अभी तीन साल ही है। तो गाइस पहले इस डॉग का पालन जाता है डॉग शो में, आपकी बारी ये आए। और स्टार सर्विस के लिए भी अवेलेबल है? जी अवेलेबल है, गाइस स्टार सर्विस के लिए अवेलेबल है। और बीगल के पप्पीज का क्या रेंज होगा प्राइस? अराउंड 25,000 विद केसीआई प्लस। 25,000 प्लस, मेल फीमेल दोनों भैया? दोनों का, फीमेल का थोड़ा कम, 5,000 कम, 35,000 तक उसका प्राइस जाता है। 25 to 35 मिल जाएंगे आपको बीगल के मेल पप्पीज, और फीमेल 5,000 लेस। तो भैया फैमिली के हिसाब से होते हैं डॉग्स? जी फैमिली के हिसाब से, जी जी छोटे बच्चों में होते हैं, तो वाइस फैमिली के हिसाब से भी होते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं काफी अच्छी क्वालिटी का अमेरिकन अकीता, अमेरिकन अकीता भैया, अमेरिकन अकीता वाइस मेल, और इंपोर्ट लाइन है भैया? इंपोर्ट लाइन, इंपोर्ट है लेकिन ये भी आई है, लाइन इंपोर्ट है। कोई कैनल वगैरह भी आपको? अकीता प्लेनेट। मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9812700014। तो भाई जी भैया का मोबाइल नंबर है। तो ये स्टार सर्विस के लिए अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल। और पप्पीज वगैरह मिल जाएंगे इसके? पप्पी मिल जाएंगे। क्या प्राइस रेंज होगी भैया? सर बहुत डिपेंड क्वालिटी है। कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 50,000 50 प्लस। तो भाई 50 प्लस में पप्पीज वगैरह मिल जाएंगे आपको इसके। और ये कलर कौन सा होता भैया? ब्राउन एंड व्हाइट, ब्राउन एंड व्हाइट, ब्राउन एंड व्हाइट है। और कौन कौन सी डॉग ब्रीड में डील करते हो? ओनली अकीता, ओनली अकीता। तो गाइस भैया सिर्फ अकीता में डील करते हैं। तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं बाटिया भैया का डॉग राजा, इम्पोर्ट डॉग है गाइस, और आज भी विन करके आए, ये विन करके आया ना भैया? जी बिल्कुल, आज भी विन करके आया गाइस। दोनों इम्पोर्ट और पहले भी तीन कंट्रीज का चैंपियन है ना भैया? जी तो गाइस पहले भी तीन कंट्रीज का चैंपियन है, और ये ट्रॉफीज है इसकी, ये आज की अचीवमेंट है इसकी। अभी एक रिंग रह गया है, एक रिंग रह गया है गाइस इसका, आज ये इंडियन चैंपियन भी बन जाएगा। गाइस ये इंडियन चैंपियन बन जाएगा, और
टूरिस्ट सर्विस के लिए अवेलेबल है ये। इस नाम से भैया आपका कैनल? भाटिया कैनल, नीलोखेड़ी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा। मोबाइल नंबर भी बता दो। 9017590001। तो गाइस ये भैया का मोबाइल नंबर है और भैया को कांटेक्ट कर लेना। क्वालिटी देख सकते हो गाइस, इंपोर्ट डॉग है। और कौन कौन सी डॉग ब्रीड में डील करते हो? मेरे पास अमेरिकन अकीता ब्रीड होता है, सेंट बर्नार्ड, इंग्लिश मैस्टिफ, लैब्राडोर रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर। तो गाइस ये भैया ने आपको ब्रीड्स बताई और भैया ये चैनल की वीडियो आपने हमारे चैनल पे देखी हुई होगी। तो अभी आपको दिखाते हैं काफी अच्छी क्वालिटी का रॉटवाइलर। भैया से डिटेल लेते हैं, तो चैंपियन है भैया ये डॉग? जी चैंपियन है, मल्टी बेस्ट इन शो है ये डॉग। इस डॉग का नाम है डेम्बो लॉर्ड स्विक एंड इसके ओनर है मिस्टर कुणाल चोपड़ा, मिस्टर पॉज कैनल से नीलोखेड़ी। तो भाई जी ये पॉज कैनल नीलोखेड़ी पे है। इसके पप्पीज भी अवेलेबल है ना? जी पप्पीज अवेलेबल रहते हैं। तो भाई जी इसके पप्पीज भी अवेलेबल रहते हैं और मल्टी शो विनर है ये डॉग। क्वालिटी आप देख सकते हैं। वैसे एज क्या होगी भैया इसकी? ये 3 इयर्स का डॉग है। 3 इयर्स जी। और ये भी स्टड सर्विस के लिए अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल है, आपको कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ। हाँ जी भैया। 98136 Penta 5। तो ऐसे भैया का मोबाइल नंबर है, पोस्ट कैनल नीलोखेड़ी पे है ये डॉग। और इसके पप्पीज भी अवेलेबल है भैया? जी अवेलेबल है, उसके लिए आपको कुणाल चोपड़ा से बात करनी पड़ेगी जिनका नंबर मैंने आपको दे दिया। तो गाइस ये भैया ने आपको मोबाइल नंबर दिया है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना इसके पप्पीज के लिए। तो गाइस जैसे मैंने कई डॉग शो देखे हैं और सबसे अच्छा रॉटवाइलर मुझे यही लगा है, क्वालिटी भी काफी अच्छी है इसकी। क्या भैया ये सर्बियन इंपोर्ट डॉग है? यस आईपीओ क्लियर डॉग है ये, इंडिया में बहुत ही कम डॉग आते हैं आईपीओ क्लियर, एचडीडी क्लियर डॉग। तो गाइस ये एचडीडी क्लियर डॉग है, सर्बियन इंपोर्ट है ये। तो अभी आपको दिखाते हैं डोबरमैन, फीमेल डोबरमैन। तो ये यूरोपियन है भैया, अमेरिकन है? यूरोपियन। यूरोपियन यूरोपियन डोबरमैन है गाइस। और पॉज कैनल नीलोखेड़ी पे पप्पीज अवेलेबल होंगे भैया इसके? ये आपको ओनर से बात करनी पड़ेगी। तो गाइस ओनर का नंबर भैया ने बता दिया तो आप ओनर से कांटेक्ट कर लेना। ये भी चैंपियन है भैया? ये हो जाएगी आज चैंपियन, इंडियन चैंपियन आज, इंडियन चैंपियन जी, दो सीसी रह गई है इसकी। तो वैसे ये भी पहले काफी डॉग शो में जा चुके हैं। और कलर कौन सा होता है भैया? इसे लीवर एंड टैन कलर बोला जाता है, डॉबरमैन में दो ही कलर होते हैं, ब्लैक एंड टैन एंड लीवर एंड टैन। ये लीवर एंड टैन कलर है गाइस। और क्या एज होगी भैया इसकी? अराउंड 2 इयर्स। 2 इयर्स गाइस, 2 इयर्स एज है इसकी। और क्वालिटी देख सकते हो। तो अभी आपको दिखाते हैं काफी यूनिक कलर में ग्रे डैन, ब्रिंडल कलर में। और भैया से डिटेल लेते हैं। मेल है भैया? मेल है ये? हाँ जी मेल है गाइस। क्या एज होगी भैया इसके? 18 मंथ्स एज है गाइस। अभी विन करके आया ट्रॉफी देख सकते हो पीछे आप। ये शौक के लिए भैया कोई कैनल आपका? नहीं शौक के लिए। शौक के लिए तो गाइस भैया ने शौक के लिए रख रखा है। तो अभी आपको दिखाते हैं गिल्स कैनल के काफी अच्छे डॉग्स।
तो भैया भैया से डिटेल लेंगे। तो भैया ये जर्मन शेफर्ड? हाँ जी सर। इंपोर्ट लाइन के भैया? हाँ जी सर। चैंपियन है ये सर? रफाल है, ग्रैंडसन ऑफ शेफ। तो भाई ये इंपोर्ट का जेट राइडर जर्मनी इंपोर्ट है। ये जर्मनी इंपोर्ट है भैया। जैक्स, ये जैक्स जो आप देख रहे हो भाई। मेल है भैया? हाँ जी मेल। स्टार्ट सर्विस है भाई? स्टार्ट सर्विस है भैया। भाई हाँ जी सर। ये देख सकते हो लॉन्ग कोट में भैया? लॉन्ग कोट सर। क्या एज होगी भैया इसकी? ये सर 3 साल का है। 3 साल का, ये 15 महीने का। इसकी डिटेल बताइए भैया। इसका सर नाम है शेफ। शेफ LC2 लगा है, सीसी विनर है, आरसीसी मिला है इसको। इसका फादर इंपोर्ट कैस्पर है और जो इसका ग्रैंडफादर है वो भी इंपोर्ट है। शेफ भाई इसके फादर और ग्रैंडफादर दोनों इंपोर्ट हैं। हां जी। ये भी मेल है? मेल है भैया? हां जी सर। दोनों स्टार्ट सर्विस है। दोनों स्टार्ट सर्विस के लिए है। और इसके बारे में बताइए भैया। इसका नाम हीरो है। इंग्लिश लैब? हां जी सर। ये भी मेल है भैया? ये स्टार्ट सर्विस है, मेल है। मेल है भाई ये भी? हां जी स्टार्ट सर्विस के लिए अवेलेबल है। इसका नाम हीरो है। हीरो इसको भी डॉग शो में लेके जाते हैं? हां जी सर, जस्ट स्टार्ट सर्विस है मीटिंग के लिए। और इसके बारे में बताइए। इसका नाम है जेरी। जेरी इसका नाम जेरी है। ओए जेरी जो ये भी स्टार्ट सर्विस के लिए? ये भी स्टार्ट सर्विस के लिए। इसकी एज क्या होगी? ये सर 3 साल का है। 3 साल का। हां जी सर। तो इन्हीं दो डॉग ब्रीड्स का डील करते हैं? हां सर, लैब रेड शेफर्ड। तो गाइस भैया लैब और जर्मन शेफर्ड। ओए चुप। तो ये और ए गुड बॉय। तो भैया कांटेक्ट कर लेना। What the fuck?